सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं माला सिन्हा आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा वन का हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसमें उ की बड़ी उ की मात्रा सीखना है आपको। बड़ी उ की मात्रा और छोटी उ की मात्रा पिछले कक्षा वीडियो में बता दिए थे, अब आपको बड़ी उ की मात्रा जानना है। मात्रा का ज्ञान होना चाहिए जिससे पढ़ने आएगा अच्छा आसानी से। बड़ी उ की मात्रा क जोड़ बड़ी उ कु, प जोड़ उ कु, स उ शु र ज सूरज, न छोटी की मात्रा नी क ल, ल में आ की मात्रा ला निकला, सूरज निकला। तो बड़ी छोटी उ की मात्रा में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगता है, खिंचाव ज़्यादा होता है, कंठ से होता है, तालू से होता है, तो छोटी उ की मात्रा होती है। और ये इसमें कम खिंचाव होता है, ये बड़ी उ की मात्रा है। उ बड़ी उ की मात्रा न ऊन ऊ ट ऊंट, च च में बड़ी उ की मात्रा चू, ह ह में आ की मात्रा हा चूहा, च च में बड़ी उ की मात्रा चू, र र में बड़ी उ की मात्रा री चूड़ी, झ झ में बड़ी उ की मात्रा झू, ल ल में आ की मात्रा ला झूला, फ फ फ में बड़ी उ की मात्रा फू, ल में आ की मात्रा ला फूला, ध ध में बड़ी उ की मात्रा धूल, ल धूल, प प में बड़ी उ की मात्रा पूछ, पूछ, च च में बड़ी उ की मात्रा चू, न में आ की मात्रा ना चूना, भ भ में उ की मात्रा भू, ल करला भूला, म में बड़ी उ की मात्रा मू, ल ल में बड़ी की मात्रा ली मूली, द द में बड़ी उ की मात्रा दू, ध दूध, अ अ में आ की मात्रा आ, ल ल में बड़ी उ की मात्रा लू आलू, झ झ में आ की मात्रा झा, र र में बड़ी उ की मात्रा रू झाड़ू, ज ज में बड़ी उ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता जूता, ब ब में बड़ी उ की मात्रा बू, ढ में आ की मात्रा ढा बूढ़ा, स स में बड़ी उ की मात्रा शू, र ज सूरज, त र में आ की मात्रा रा, ज में बड़ी उ की मात्रा जू राजू, क क में बड़ी उ की मात्रा कू, ल र कूलर, ब ब में छोटी की मात्रा बी, च छ छ में बड़ी उ की मात्रा छू बिच्छू, ना न में आ की मात्रा ना, ख में उ की मात्रा खू न नाखून, द द में बड़ी उ की मात्रा दू, स स र र में बड़ी आ र में आ की मात्रा रा दूसरा, च च में बड़ी उ की मात्रा छू ल ल, ह ह में आ की मात्रा ला चूल्हा, भ भ में बड़ी उ की मात्रा भू, स स में आ की मात्रा शा भूषा, क ब ब में बड़ी उ की मात्रा भू, त र क भूतर, त र ब में बड़ी उ की मात्रा भू, ज तर भूज, ख र ब में बड़ी उ की मात्रा भू, ज ज में आ की मात्रा जा खर भूजा, द श क क में बड़ी उ की मात्रा कू, ट र स्कूटर। से एक बार और पढ़ेंगे। ऊन ऊंट चूहा चूड़ी झूला फूला धूल पूछ चूना भूला मूली दूध आलू झाड़ू जूता बूढ़ा सूरज तराजू कूलर बिच्छू नाखून दूसरा चूल्हा भूसा कबूतर तरबूज खरबूजा स्कूटर। इसको आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। छोटी उ की मात्रा और बड़ी उ की मात्रा में समझ में आएगा कि किस तरह किसको बोलना है और लिखना है। आप इसको ध्यानपूर्वक दोनों को पढ़ेंगे। आगे है, आपको इसको ये लाल वाला अक्षर से जो लिखा हुआ है इस तरह नीचे भी दिया गया है, डॉट्स में आपको देख कर लिखना है। कू र में आ की मात्रा रा कूड़ा भालू भालू मजदूर मजदूर फूलदान फूलदान सूची सूची पूरी पूरी। इस तरह से आप देख कर इसमें लिखेंगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। आगे हैं बड़ी उ और छोटी उ और बड़ी उ का मिला जुला अभ्यास इसमें दिया गया है, आपको पढ़कर अभ्यास करना है और लिखकर भी अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पढ़ेंगे ब ब में छोटी उ की मात्रा बू, ल ब में छोटी उ की मात्रा बू, ल बुल बुल, क क में बड़ी की मात्रा की, प प में उ की मात्रा पू, ज में आ की मात्रा जा पूजा, बुलबुल की पूजा। तो बू ल बू ल बुलबुल। देखिए इसमें छोटी उ की मात्रा लगा हुआ है, ब में बोलने पर खिंचाव होता है, बू खिंचाव होता है, कंठ का
प्रेशर पड़ता है तो बू ल बू ल बुलबुल। प प में बड़ी यू की मात्रा ज ज में आ की मात्रा जा पू जा, तो इसमें खिंचाव नहीं होता है, बड़ी यू की मात्रा में खिंचाव नहीं हो रहा है आपको बोलने में और छोटी यू की मात्रा में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसमें छोटी यू की मात्रा लगेगा और इसमें बड़ी यू की मात्रा लगेगा। तो आप बोल कर देखेंगे, अभ्यास करेंगे। बुलबुल पूजा का फूल ला, कुसुम को सुपारी खिला, तू नाखून मत चबा, सुबह सुबह फुलवाड़ी चल, बुढ़िया खजूर खाती, जादूगर ने जादू दिखाया, मुलायम फूल चुन। एक बार और पढ़ेंगे। बुलबुल पूजा का फूल ला, कुसुम को सुपारी खिला, तू नाखून मत चबा, सुबह सुबह फुलवाड़ी चल, बुढ़िया खजूर खाती, जादूगर ने जादू दिखाया, मुलायम फूल चुन। इस तरह से आप दो तीन बार पढ़ेंगे, पढ़ने में आसानी होगा, पढ़कर ही समझेंगे। इसको आपको देखकर लिखना है, नीचे डॉट्स पर भी लिखना है और जो खाली स्थान है उसमें भी लिखना है सुंदर राइटिंग में। गुलाब जुराब रुपया रूपा झूला खूब। आगे है झूला, एक कविता है, इसको आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है, इस कविता को, और पढ़ना भी है। आया सावन झूम कर, हमने खुशी से फूल कर झूला डाला डाली पर, आया सावन झूम कर, हमने खुशी से फूल कर झूला डाला डाली पर, मस्ती भरी चिड़िया चहकी, डाली डाली फूल महकी, हवा चलती फिरकी फिरकी, गरिमा तू भी झूला झूल, कविता तू भी झूला झूल, मुन्नू तू भी झूला झूल। इसको आप याद भी कर लेंगे और वन पेज सुंदर राइटिंग में इस कविता को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आगे है चित्र को उसके नाम से मिलाएं, जिसको चित्र को आपको देखना है और नाम यहाँ दिया गया है उससे मिलान करना है पेंसिल से। यहाँ पे क्या दिया गया है, रुपया, तो रुपया इसमें ढूंढेंगे कहाँ है, यहाँ है रुपया में, इसको पेंसिल से इस तरह से मिलान करेंगे, यहाँ है ठीक। इस तरह से तरबूज, तो तरबूज को भी इस तरह से आप यहाँ मिलान करेंगे ठीक है। इस तरह से आप चित्र को देखेंगे और मिलान करेंगे। यहाँ पे दिया गया है दूसरे नंबर में, छोटी और बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए। इसमें मात्रा दिया गया नहीं है, आपको सोच समझकर इसमें मात्रा लगाना है, पढ़कर कहाँ पर लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा पढ़ेंगे तो सही रहेगा। च ह ह में आ की मात्रा, हा चहा, चहा में च में आप लगाएंगे उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा क्या, चूहा। क क में बड़ी उ की मात्रा, र ता कुर्ता, कतर, कतर में बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे क में तो कुतर, ग या गया, चूहा कुर्ता कुतर गया। तो इस तरह से ये एक वाक्य बन गया, शुद्ध शुद्ध वाक्य बन गया। तो आप इस तरह से समझ समझ कर क ख ग घ ये तीनों चारों में आप मात्रा लगाएंगे, छोटी और बड़ी ऊ की मात्रा दोनों दिया गया है, आपको इसको समझ समझ कर इसमें करना है। कुछ वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। बड़ी ऊ की मात्रा से बने 10 शब्द लिखो, तो बड़ी ऊ की मात्रा से 10 शब्द दिया गया है, आप उसमें से ढूंढ कर लिखेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर शब्द सही बनाओ, इसमें आपको शब्द सही बनाना है। यहाँ दिया गया च ह ह में आ की मात्रा चह, तो आप शुद्ध सही बनाने के लिए इसमें यहाँ फिर से लिखेंगे और इसके च में आप बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चूहा। उसी तरह यहाँ झ लकर ला झला दिया गया है, तो झ में आप बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, झूला। इस तरह से आप समझ समझ कर लगाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा। आगे है बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा लगाकर शब्द सही बनाकर लिखे। आपको ये दिया गया है, बड़ी ऊ और छोटी ऊ दोनों मिक्स है, आपको समझ कर लिखना है। जैसे कि यहाँ फल फल लिखा हुआ है, आप इसमें समझेंगे कि छोटी ऊ लगेगा कि बड़ी ऊ लगेगा। फूल
तो फूल में फ में खिंचाव आपको कंठ से नहीं हो रहा है, तालू से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो फूल। तो इसी तरह आप समझ कर इसमें भी लगाएंगे बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा पूरे में कंप्लीट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। आगे है देख कर लिखो, ये कुछ वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को आपको देख कर वन वन पेज लिखना है। जादूगर आया मुलायम फूल चुन, तो इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। आगे है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र दिया गया है और उनका नाम आपको समझ कर लिखना है। ये तरबूज है तो यहाँ पे आप तरबूज लिखेंगे, तरबूज तरबूज, इस तरह से तीन बार लिखेंगे, तीन लाइन में तीन बार लिखेंगे तरबूज। ये गुलाब है तो आप यहाँ गुलाब लिखेंगे, इसको भी तीन बार लिखेंगे। ये कमल है तो यहाँ कमल लिखेंगे, इस तरह से इसको तीन बार लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, चित्र भी बनाएंगे अपने कॉपी में सुंदर से। नेक्स्ट है बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर चार शब्द बनाओ, इसमें आपको बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर चार शब्द बनाना है, ठीक है। तो बड़ी ऊ की मात्रा से क्या क्या हो सकता है, तरबूज हो सकता है, फूल हो सकता है, इस तरह से आप चार मात्रा लगाकर लिखेंगे। आगे है छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए, इसमें आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा इस वाक्य है, ये वाक्य बना, इसमें आपको लगाना है। च च में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चूहा चूहा। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू, रता कुर्ता। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू तर कुतर। ग य का आ गया, तो आप इस वाले नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इस तरह से। च में चू ह कढ़ा चूहा। क क में बड़ी ऊ की मात्रा कू, र त में की मात्रा ता कुर्ता। क क में बड़ी ऊ की मात्रा कू तर कुतर। ग य आ की मात्रा या गया, चूहा कुर्ता कुतर गया। इस तरह से आप फाइव दिया गया है, फाइव में इस तरह से आप लिखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। आगे है 10 जंगली जानवर के नाम लिखना है, हाथी शेर बाघ, इस तरह से 10 आपको लिखना है। आगे है खाली जगह को भरो, इसमें दिया गया है ऊपर में, इसमें से ढूंढ कर आपको इस खाली जगह में भरना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बुलबुल का फूल ला, तो इसमें आप क्या भरेंगे, पूजा, यहाँ से ढूंढ लेंगे फुलवाड़ी जादू खजूर पूजा फूल है, तो इसमें आप ढूंढेंगे बुलबुल, यहाँ लिखेंगे पूजा, तो ये सही वाक्य हो गया बुलबुल पूजा का फूल ला। फिर यहाँ है सुबह सुबह, खाली स्थान दिया गया है चल, तो सुबह सुबह चल, तो आप इसमें समझ कर लिखेंगे इस तरह से, नोट डाउन करेंगे कंप्लीट करेंगे। कॉपी में अपने वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।